एक्सटेंडेड यूनिवर्स जिसे डीसी के सिनेमा देखने वाले फैंस डी सी भी बुलाते हैं तो इस पर कुछ बड़े खुलासे सामने आए हैं और आप सब ये वीडियो देख रहे हो तो एक जिम्मेदार डीसी फैन होने के नाते मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आपको ये सारी अपडेट को कवर करूं तो इंट्रो के बाद शुरू करते हैं वीडियो को वीडियो को एंड तक देखना बहुत सारे बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं तो क्या है वो सारी डिटेल चले जानते हैं छोटे से इंट्रो के बाद हेलो दोस्तों मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में के एक और नए फ्रेश वीडियो में और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे डी यू में काफ़ी सारे बैटमैन के बारे में तो अगर आप एक डी फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक फॉलो करो सो दोस्तों डी यू की शुरुआत जैक स्नाइडर की फिल्म मैन ऑफ स्टील से हुई थी और इसके अगली ही फिल्म में जैक स्नाइडर ने अपने विजन का बैटमैन का इंट्रोडक्शन करवाया और इस फिल्म का नाम था बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस और बैटमैन का रोल प्ले किया हॉलीवुड के ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर बेन एफ्लिक ने और इस फिल्म में मानो जैक स्नाइडर ने बैटमैन को एक हिसाब से ट्रिब्यूट ही दे दिया डीसी फैंस नहीं बल्कि मार्वल के फैंस ने भी इस फिल्म को देखने के बाद बेन अफ्लिक की भर भर के तारीफ़ की और बहुत सारा प्यार दिखाया बैटमैन के इस नए किरदार को लेकर जिन जिनको प्ले किया था ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर बेन अफ्लिक ने सब कुछ बहुत सही चल रहा था पर कहते हैं ना जब किस्मत ही खराब हो तो फिर कितना भी मेहनत कर लो कुछ खास नहीं होता वही हुआ जस्टिस लीग फिल्म के साथ अब मैं यहाँ पर जैक स्नैंडर जस्टिस लीग फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जॉश विडॉन ने जो जस्टिस लीग फिल्म बनाई थी उसकी बात कर रहा हूँ और वो काफ़ी एक हिसाब से ठीक ही फिल्म थी तो और जब बैटमैन बना फ्लिक यानी कि हमारे जो बेना फ्लिक हैं उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो गया था यानी कि जब जॉश विडॉन जस्टिस लीग फिल्म के रीशूट करवा रहे थे तभी उनको अंदाज़ा हो गया था कि जॉश विडॉन की जो ये जस्टिस लीग फिल्म है ना तो इसको कोई फैंस पसंद करने वाले हैं और ना ही कोई क्रिटिक और हूँ अभी वैसा ही आने वाले टाइम पर जब जस्टिस लीग यानी कि जॉश विडॉन वाली जस्टिस लीग फैंस के सामने आई तो फैंस का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखा और अब जब हमें जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग का वर्जन देखने को मिल ही गया है तो ये भी ठीक ठाक ही था कि मतलब फ़ैंस का जितना भी गुस्सा था सब वो एक हिसाब से सही था क्योंकि वो फिल्म ज़रा भी कुछ खास नहीं थी और जस्टिस लीग स्नाइडर कट पे ऑलरेडी दो से चार वीडियो प्रोडक्शन में है तो इस वीडियो में वो सब की बात कर के कोई मतलब निकलने वाला है नहीं तो उन वो सारे आने वाले वीडियोस के लिए आपको अगर आपको वो वीडियोस मिस नहीं करना है आपको जानना है क्या है जस्टिस लीग का स्नाइडर कट और क्या ये सब चल रहा है डी यू के अंदर तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर आपको वो सारी वीडियोज आने वाली वीडियोज मिस नहीं करनी तो बाजू में बेल नोटिफिकेशन भी आएगा उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज आपको देखने को मिल जाए साल 2020 इस साल एक डीसी का इवेंट किया गया था जिसका नाम था डीसी फैंडम इवेंट और हमें इस डीसी फैंडम इवेंट में कुछ ट्रेलर्स दिखाए गए थे और उनमें से एक ट्रेलर हमें दिखाया गया था और उस फिल्म का नाम था दी बैटमैन फिल्म और जिस फिल्म को मैट रीफ डायरेक्ट कर रहे हैं और हमें इस फिल्म में एक नया सा बैटमैन का किरदार देखने को मिला और इस नए बैटमैन के किरदार को प्ले किया था रॉबर्ट पैटिसिन ने वेल well, जैसे आप सभी को पता है कि रिसेंटली ही एच बी ओ मैक्स ने जस्टिस लीग मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उसका जैक्स नाइडर का जस्टिस लीग वर्जन रिलीज़ किया था और उसमें हमें बेन एफ्लिक ही बैटमैन के रोल में नज़र आए थे तो डीसी के जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं तो यानी कि जो डीसी डीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वॉल्टर हमाडा तो उन्होंने एक मतलब एक इंटरव्यू में बताया कि मैन ऑफ स्टील दी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस और जैक स्टैंडर की जस्टिस लीग ये ट्रायोलॉजी है जो कि डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्टार्टिंग के पहले तीन फेज की मूवीज़ हो सकती है और इसे उसी सीरीज़ के तीनों ट्रायोलॉजी को डिक्लेयर कर दिया गया है और फैंस ने जब से रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन को देखा है तब से फैंस में चर्चा है कि ये मतलब कौन से यूनिवर्स का बैटमैन है कहीं ये कोई अलग यूनिवर्स का बैटमैन तो नहीं है और क्या बेन बैनाफ्लिक अभी भी बैटमैन का रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं तो वहीं बात करें अभी बैटमैन को रोल प्ले करने वाले एक्टर बैनाफ्लिक की तो मीडिया इंटरैक्शंस में काफ़ी बार रिपोर्टर्स ने उनसे ये पूछा है कि क्या वो अभी भी डी सी के बैटमैन बने रहे हैं या उन्होंने अब ये बैटमैन का किरदार छोड़ दिया है वहीं बात करें मैट रीफ की दी बैटमैन फिल्म तो उसमें काम कर रहे एक्टर रॉबर्ट पैटिसन ने भी काफ़ी सारे रिपोर्ट काफ़ी सारे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा है कि क्या आने वाले टाइम में कितने डीसी फिल्मों में वो हमें एज बैटमैन देखने को मिलने वाले हैं वेल अभी तक बैटमैन यानी कि बेन बेनाफ्लिक ने कोई भी और रॉबर्ट पैटिसन ने भी कोई भी ऐसा कमेंट पास नहीं किया है इन क्वेश्चन को और अभी तक उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं है वही फैंस भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि डीसी में बैटमैन को लेकर मतलब चल क्या रहा है तो अब काफ़ी सब कुछ सुनने को ये सब सुनने के बाद डीसी पिक्चर्स के प्रेसिडेंट यानी कि वॉल्टर हमाडा ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में हमें वॉल्टर यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट हमें बताते हुए दिखते हैं डीसी के आने वाले फिल्मों को फिल्मों को लेकर और आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर तो उन्होंने बताया कि ये जो डीसी में उस इंटरव्यू में मिस्टर प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट हमाडा ने बताया कि टीसी फिल्मों में दो बैट दो अलग बैटमैन की कहानी अलग अलग फिल्मों के जनता के सामने पेश की जाएगी और वो भी एक ही टाइम पर जिसमें एक यूनिवर्स में हमें रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन की कहानी दिखाई जाएगी दूसरे और दूसरे यूनिवर्स में हमें एक्टर माइकल कीटन के बैटमैन की कहानी दिखाई जानी है और माइकल कीटन एज बैटमैन हमें अर्थ वन में नजर आएंगे और वहीं बात करें रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन की कहानी को लेकर तो वो अर्थ टू से बिलोंग करेगी ये इंटरव्यू टाइम्स नाउ के ऑफिशियल वेबसाइट पर एज एन आर्टिकल रिलीज़ किया गया और लोगों ने काफ़ी बार इस आर्टिकल को पढ़ा भी और आगे काफ़ी सारे सोर्सेबल वेबसाइट ने इस आर्टिकल को अपने वेबसाइट पर आर्टिकल के तौर पर रिलीज़ किया गया और इस आर्टिकल में हमें बताया गया कि एक्टर माइकल कीटन हमें डीसी यूनिवर्स के अर्थ वन के लीडर के तौर पर दिखाए जाएंगे और उस ही टाइम पर अर्थ वन में माइकल कीटन की एक स्पिन ऑफ बैटमैन फिल्म की भी प्लानिंग की गई है और कुछ रूमर्स की माने तो हमें इस फिल्म में बैटमैन बियॉन्ड स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि इस स्टोरी में हमें ब्रूस वेन काफ़ी बूढ़ा दिखाया जाता है जो कि हमें एक यंग बैटमैन को ट्रेनिंग देता नज़र आता है यही स्टोरी हमें बैटमैन बियॉन्ड के कॉमिक सीरीज़ में भी दिखाई गई थी और यहाँ पर मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उस बूढ़े बैटमैन का यानी कि जो उस बूढ़े ब्रूस वेन का रोल है वो हमें एक्टर माइकल कीटिन प्ले करते नजर आएंगे वैसे तो काफ़ी टाइम पहले से ही बैटमैन बियॉन्ड की रूमर्स मार्केट में चल रही हैं और अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्पिन ऑफ को एच बी ओ मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जा सकता है वैसे बात करें इस रूमर की तो अभी तक इस रूमर की कहीं भी किसी भी तरीके से कन्फर्मेशन नहीं की गई है तो अब बात कर लेते हैं वॉल्टर हमाडा के कन्फर्मेशन करने वाली बताई गई उन बातों को तो उन कन्फर्मेशन को हम यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो प्रेसिडेंट हमाडा ने ये बताया कि स्ट्रिक शॉक और बैड गर्ल की बात की और ये बताया कि ये दोनों ही किरदार हमें बहुत जल्द एच बी ओ मैक्स पर नज़र आएंगे जिनकी शायद कोई फिल्म या सीरीज़ की तैयारी शुरू की गई है डी सी पिक्चर्स के अंदर वैसे ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी बातें सिर्फ रूमर वैसे माने फैंस की तो लोगों का मानना है कि तो, तो फैंस चाहते हैं कि अगर डीसी में बैटमैन का कोई भी प्रोजेक्ट बने या फिर आने वाले टाइम पर कोई भी बैटमैन का प्रोजेक्ट मतलब प्लान किया जाए तो उसमें कोई और नहीं बल्कि सिर्फ सिर्फ बेनाफ्लिक ही नज़र आए और टाइम्स नाउ के जो एडिटर हैं तो उनको भी ये बात पता थी कि फ़ैन्स क्या चाहते हैं यानी कि फैंस सिर्फ यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम पर जितने भी बैटमैन के प्रोजेक्ट बने उसमें सिर्फ बेन एस बैटमैन नज़र आए तो टाइम्स ना नाव के ही रिपोर्टर ब्रोकस बैनर ने ये पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन दे दी कि उस इंटरव्यू में वॉल्टर हमाडा की हमाडा ने बताया कि ये दोनों बैटमैन ही डीसी के आने वाले यूनिवर्स को आगे बढ़ाएंगे और आगे इन्हीं दोनों बैटमैन की स्टोरी हमें नज़र आने वाली है फिल्मों के तौर पर तो अब मे मेरे अकॉर्डिंग वॉल्टर हमारा को अपने प्लान्स पर पूरा भरोसा होना चाहिए क्योंकि अगर इनके इन्हें खुद के ही प्लान्स पर भरोसा नहीं हुआ तो इन्हें फिर से जस्टिस लीग जैसा ही सीन क्रिएट होगा वहाँ पर जिससे कोई फैंस को फ़ायदा होने वाला है नहीं तो ये थी एक डिटेल वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आने वाले टाइम पर बैटमैन के यूनिवर्स को ले क्या किया जा रहा है तो इस पर आप सब की अब क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले और सुपर हीरोज़ की दुनिया से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा तो मैं मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को इंजॉय कर सकते हो आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग ऐसा ही कंटेंट अपलोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही मिलता है हमारे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद